हम लोगों को वारंट अभी प्राप्त हुआ है माननीय विधायक जी के अगेंस्ट में, और हम लोगों की छापेमारी लगातार चल रही है, और जैसा भी आगे इसमें होगा आप लोगों का अवगत करा दिया है। गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है? हाँ, वो जारी। क्या कुर्की वारंट जारी करने के लिए भी कॉल किया जा रहा है? वो इसका अगला स्टेज है, जब वैसी स्थिति आएगी तो आप लोगों का अवगत करेंगे। अभी वारंट प्राप्त। नमस्कार, आप बाइबी टीवी देख रहे हैं और आपको हम इस वक्त की बड़ी खबर जो है बताने के लिए बैठे हैं। बड़ी खबर बिहार की सियासत से है, बड़ी खबर बिहार की सियासत की जो गलियारे हैं उससे है, क्योंकि देखिए ये बताना बेहद ज़रूरी है। बिहार मुजफ्फरपुर के साहेबगंज से भाजपा की विधायक राजू सिंह जो है उसकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए हम ऐसा नहीं कर रहे, हमेशा ऐसा हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मुजफ्फरपुर SSP का जब आप बयान सुनेंगे तो आपको ऐसा ही प्रतीत होगा। पहले आप वो बयान को सुनिए। सिंह को लेकर क्या अपडेट है सर? उसके बारे में हम लोगों को वारंट अभी प्राप्त हुआ है माननीय विधायक जी के अगेंस्ट में, और हम लोगों की छापेमारी लगातार चल रही है, और जैसा भी आगे इसमें होगा आप लोगों का अवगत करा दिया है। गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है? हाँ, वो जारी हो चुका। क्या कुर्की वारंट जारी करने के लिए भी कॉल किया जा रहा है? वो इसका अगला स्टेज है, जब वैसी स्थिति आएगी तो आप लोगों का अवगत करेंगे। अभी वारंट प्राप्त। तो आपने देखा जो मुजफ्फरपुर के जो SSP हैं राकेश कुमार, उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए ये पूरी घटना क्या है हम आपको वो बताते हैं। देखिए ये पूरी घटना जो है 25 मई का है, और RJD नेता जो तुलसी राय है उन्होंने जो अपना बयान दर्ज कराया था पुलिस के पास, जो उन्होंने FIR दर्ज कराया था उसमें यह लिखा था उन्होंने, जो बात 25 मई की है जहां पर तिलक समारोह में जो है और राजू सिंह और साथ तुलसी और साथी तुलसी राय ये दोनों लोग एक जगह इकट्ठा हुए थे, और वहीं पर जो है दोनों के बीच विवाद हुई, और वहां पर इन्होंने कहा है, तुलसी राय ने जो कहा है वो यह कहा है जो राजू सिंह के द्वारा जो है मारपीट भी किया गया और जबरन उसे हथियार के बल पर बंधक बनाया गया और गाड़ी में बिठा करके ले जाया गया। ये देखिए अपहरण का उन्होंने जो है FIR दर्ज कराया था, उसके बाद पुलिस ने तुलसी राय जी नेता तुलसी राय का जो है कोर्ट में बयान दर्ज कराया। उसके बाद हालांकि कोर्ट ने कुर्की और कुर्की जब्ती का जो वारंट था वो उन्होंने खारिज कर दिया। कोर्ट ने जब बयान दर्ज कराने के बाद जो है अब पुलिस को गिरफ्तारी के लिए वारंट मिल चुकी है। पुलिस जो है लगातार मुजफ्फरपुर पटना सहित कई ठिकानों पर जो है लगातार छापेमारी कर रही है, तो ऐसे में जो है भाजपा विधायक राजू सिंह की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही है। देखिए इससे पहले भी आपको बता दें जो राजू सिंह कहीं ना कहीं कई इस विवादों में वो उनका जो है नाम रहा है। बहरहाल जो VIP पार्टी से चुनाव लड़ने के बाद जब VIP पार्टी के तीनों विधायक BJP में शामिल हुए थे तो उसमें राजू सिंह भी थे, और राजू सिंह जो है लगातार विवादों के लिए जाने जाते हैं। मुजफ्फरपुर में इससे पहले जो CO प्रकरण हुआ था उनमें भी इनका नाम तेजी से उछाला गया था, लेकिन बहरहाल जो फिलहाल का ताज़ा मामला है वो मामला यह है जो RJD नेता जो तुलसी राय है उनके द्वारा जो है पुलिस उनके द्वारा जो है FIR दर्ज कराया गया, और FIR दर्ज कराने के बाद जो बातें उन्होंने कही उसके बाद कोर्ट ने वारंट जारी किया है, और वारंट जारी करने के बाद पुलिस जो है राजू सिंह के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है पटना सहित जो उनके पैतृक निवास हैं या फिर मुजफ्फरपुर में जहां पर भी उनका आवास है वहां पर लगातार छापेमारी हो रही थी। ऐसे में आज जो BJP के विधायक हैं राजू सिंह उनकी मुश्किलें जो है लगातार बढ़ती जा रही है, और इस घटना में क्या कुछ नया अपडेट आता है, नया जो है क्या कुछ ताज़ा अपडेट आता है वो भी हम आपको बताएंगे। बहरहाल हम आपको जानकारी दे रहे थे, देखिए भाजपा विधायक राजू सिंह की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। पुलिस को अब गिरफ्तारी वारंट मिल चुकी है, पुलिस अब उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है या फिर उन्हें इन तमाम चीज़ों को लेकर के इन तमाम दबाव को लेकर के या तो उन्हें सरेंडर करना पड़ सकता है या फिर पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। और राजू सिंह के लिए जो है मुजफ्फरपुर पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। जो जानकारी थी हमारे पास वो हम आपको बताए थे। बहरहाल ऐसे खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें IBTV। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।